बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और सलामती वाली ज़िंदगी अपने वालिदैन के साथ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप रमज़ान मुबारक की मज़ीद बरकतें जो हैं वो समेटते रहें और अपने वालिदैन के साथ हर काम में भरपूर तआवुन करें। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम पढ़ते हैं आपकी दरसी किताब स्मार्ट उर्दू की चौथी किताब का सबक नंबर 5। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 5 जो कि मौजूद है सफ़ा नंबर 28 पर। सबसे पहले हम अपने सबक के अहदाफ को जानते हैं कि हमारे सबक के कौन कौन से अहदाफ हैं, इसके उन्वान के मुतालिक जाना कि इसका उन्वान क्या है, फिर उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज के मायनी। सफ़ा नंबर 29 के बाद इसके आ जाते हैं हमारे पास सवालात के जवाबात। हमारा हदफ़ नंबर 3 जो है वो सवालात के जवाबात और इसके जुमले, और इसके सवाल नंबर 3 में इसके जुमले जो हैं वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके करते हैं बुलंद ख्वानी। हमारा आज का उन्वान है इल्म। इल्म मोहब्बत की महकार, महकार खुशबू, करो हमेशा इल्म से प्यार। इल्म को तुम रखो मरगूब, यानी पसंदीदा, करो जमा करो ये दौलत खूब। इससे खिलते हैं इसरार, करो हमेशा इल्म से प्यार। इसरार कहते हैं भेद को, यानी छुपी हुई बातों को। जाहिल तो है राह की धूल, इल्म जहानत का है फूल। धूल कहते हैं प्यारे बच्चों मिट्टी, गर्द, गर्द वाली चीज़ों को। जहानत अक्लमंदी और काबिलियत को कहा गया है, यानी जो जहानत है, इल्म जो है उसमें जो जहानत है वो एक काबिलियत का फूल है। सोचों में जो लाए निखार, करो हमेशा इल्म से प्यार। सफ़ा नंबर 29 पर हम चलते हैं। इल्म से दिल का फूल खिले, ऐसी दौलत कहाँ मिले। छीन न पाए चोर चकार, यानी चोर जो होते हैं वो इल्म को नहीं छीन सकते। करो हमेशा इल्म से प्यार, वक्त गुजारो मत बेकार। करो हमेशा इल्म से प्यार, यानी अपना वक्त जो है वो इल्म के बगैर, किसी भी चीज़ को नॉलेज के बगैर, उसको जानने के बगैर आप उस वक्त को बेकार मत करें, फजूल ना जाने, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने इस सबक की इमला की तरफ। हमारे सबक की जो इमला है वो हम देखते हैं, आपके जो नोट्स हैं वहाँ से आपने इसकी जो इमला है वो 10 के 10 अल्फाज, जो 10 के 10 अल्फाज हैं वो आपने वहाँ से देख लेने हैं। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 1, नज़्म इल्म जहन में रखते हुए दर्ज ज़ैल सवालों के जवाबात लिखिए। हमारे हदफ में आखिरी जो हमारा जो सेकेंड लास्ट हदफ था वो है सवालात के जवाबात। तो जी प्यारे बच्चों, हमें किस चीज़ से प्यार करना चाहिए, हमारा सवाल है कि हमें किस चीज़ से प्यार करना चाहिए। हमेशा इल्म से प्यार करना चाहिए। देखिए सवाल के जवाबात। जाहिल इंसान कैसा होता है, जाहिल इंसान राह की धूल जैसा होता है। सवाल नंबर 3, इल्म किस चीज़ में निखार लाता है, इल्म सोच में निखार लाता है। सवाल नंबर 5, चोर किसे नहीं चुरा सकता, चोर इल्म को नहीं चुरा सकता। तो जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर है इल्म के 3 फ़ायदे। यहाँ पर तीनों फ़ायदे आपने YouTube की मदद से अपने नोट से लिख लेने हैं। इल्म इंसान को शऊर बख्शता है, इल्म से इंसान ने तरक्की की है, इल्म की वजह से नई नई ईजादात होती हैं। तो जी प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 जो हमारा आज के घर का काम है, इसमें सवाल नंबर 3 हमारा आखिरी हदफ है। उसमें है सबसे पहले मरगूब। मरगूब, चावल मेरी मरगूब ग़िज़ा है। जाहिल, जाहिल और आलम बराबर नहीं हो सकते। जहानत, कायदे आज़म अपनी जहानत से कामयाब हुए। छीन, चोर कभी भी इल्म नहीं छीन सकता। बेकार, बेकार वक्त मत गुजारो। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का घर का काम जो है वो नोट कर लें, अपने सबक की बुलंद ख्वानी यानी इल्म जो आपकी नज़्म है इसकी बुलंद ख्वानी करनी है आपने, सवालात के जवाबात और अल्फाज के जुमले जो हैं वो आपने लिखने, अपनी नींद नोटबुक के ऊपर खुशखाती से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों के साथ बहुत सारा तआवुन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।